नमस्कार दोस्तों, मैं रीना, जिला लहरिया से, और हमारे खबर लहरिया फेसबुक लाइव में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मौजूद हैं टीकमगढ़ जिले के अनगढ़ा आदिवासी बस्ती में। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कितने लोग इकट्ठे हैं और यहां के लोगों को आप यहां देख सकते हैं। इनका कहना है कि हम लोग कई पीढ़ियों से आवास को लेकर के परेशान हैं और आवास न मिलने के कारण हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। बरसात के दिनों में घरों में पानी भर जाता है तो रातों ही रात जगना पड़ता है और मुश्किल से रात गुजारना पड़ता है। तो आइए हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि इन लोगों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं और कब से परेशान हैं और इन लोगों ने कहाँ कहाँ तक अभी तक प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह की स्थिति में रहते हैं। उनसे हम जानकारी करते हैं कि इनको किस तरह की दिक्कतें होती हैं। क्या नाम है आपका? उनकी बेटी। आपका क्या नाम है? आप ही का घर है? नहीं, जिन को जिन। हाँ, तो आइए आप बताइए। हाँ, तुम बता दो क्या नाम है आपका? गुड्डी। कहाँ से है? अनगढ़। तो आपका आवास आया है? नहीं आया। तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं? परेशानी है, सबका छूती है, परेशानी है। तो जैसे कि बरसात के दिनों में किस तरह की समस्या का कहाँ कहाँ प्रयास किया है अपने स्कूल लेकर के? कहाँ कहाँ पे प्रयास किया? आवेदन दिए कहीं? फार्म भरवाए? दो भरवाए। कहाँ पे भरवाए? एक होता है गिन्नी ने दिया देखो, एक और डरवाओ, एक वही नहीं। कितने दिन से परेशान हैं आप? बहुत दिन से, साल दो साल डरे हैं, मतलब जब ऐसे। जैसे कि आप इस तरह से रहती हैं और आपके यहाँ पर कोई मेहमान लोग आ जाते हैं तो फिर क्या करती हैं? परेशानी यही में बहुत गुजारा, यही में बहुत गुजारा का, वही में रिश्तेदार, वही में हम, वही में मोड़ी मोड़ा फेका। कितने सदस्य हैं आपके घर में? आपके हमारे घर में इतने हैं कि दो मोड़ा हैं और मोड़ी हैं, चार, और दो ही हमान हैं। अब ये तन तन गोड़िया नहीं रहता अपने कौन कौन का करते हैं। हाँ, और ये का परेशानी परेशानी तो है, क्या उन्हें मजदूरी लग नहीं रही, फूल कर नहीं पा रहा, अब का करो जाए ना, कड़िया बेच के खा रहे हैं, लकड़ी कर लिया सुखा लें, डाल आंदे हैं 10-20 की हो, वही में संग चले के खाबो चले। हाँ, यही तो क्या चाहती हैं आप, क्या कहना चाहती हैं? अब हम जो जाऊत के जैसे सब की मतलब हो गई व्यवस्था से ऐसे हमारी होना चाहिए, कहा हम अलग से हैं का है? हमारी कुटी नहीं, हमारी टपाचा देख लो, आज दो साल गुजली जा रही, पटकदा तो मकान की कुटी जा रही आ रही। यहाँ पे आओ, यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे आओ, यहाँ पे बोलिए। वो है वो तो है, मैं वो पर शादी डरी उन्होंने सदरवाद जो पत्रकार ने मैदान डर यहाँ पे आओ। हाँ, पूरा मैदान डर। क्या नाम है आपका है? क्या नाम है? प्यारी भाई। तो किस तरह
को फिर हमें देख के तो कहा कि जी ऐसा देख के ने खा भी ने पी भी ने का जंगल से न कन्या करके लिए जब हम जी नबीर पर जब बाजार ले जाते थे से एक किलो आटा लिए तो अपने जब जिंदगी में खा पा रहा है भुनसारे फिर लेके धोर जात फिर डारी तो जब फिर तो से फिर खा पा रहा देने से अपने रहने के लिए किस तरह की आपके घर में व्यवस्था है रहने के लिए जे हैं जब जो डरोटा पर जब पन्नी ले आए जब पन्नी चढ़ाए जब पार पे ना तरेज में भींजा में डायरा थे बरसात के दिनों में कौन सी किस तरह की दिक्कतें होती हैं बरसात के दिन बरसात बोलो घर में पानी बाग गिरती है पानी खुल जाते है तो लकड़ी लेके धोर जाते हैं नहीं खुलते हैं तो बेटी बेटा रोटी मांगते हैं तो थोड़ी सी चना नहीं होते पीसी भूंज के उनको खिला देते हैं गड़ाई भर पानी पिला देते हैं पैरते हैं अपने खुल जाते हैं कहाँ कहाँ आपने इसको लेकर के आपने आवेदन दिए हमने आवेदन कितने नहीं दाए हमने एक ही जगह दिए हैं 2000 फार्म भरवाए हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है सुनाई वालन की सुनाई कछन के आए हैं कछन के नहीं आए संगे संगे भगत फिरे हैं संगे सब भी फार्म भरवाए हैं कुछ सुनाई नहीं है हमारा हो गए 2 साल फार्म भरू मैडम हमारा कहा नहीं आए नहीं होते कहाँ गए क्या नाम है आपका हीराबान आपका आवास आया है नहीं है ऐसे कितने लोग हैं आपके मोहल्ले में कि जिनके आवास नहीं आए हैं कोई कुछ नहीं तो 50-60 घर है ऐसे कि जिनके पास आए नहीं तो जैसे आपका आवास नहीं आया तो आपको किस तरह की समस्या आ रही है जी समस्या आई कि हमारा भी आ जाए आवास तो अच्छी से तो है अब तो बारिश होती है घर में पानी भी भरता है परेशान होते हैं रात भर गुजारा बैठे बैठे निकालते हैं रात कहाँ कहाँ प्रयास किया है आपने नगर पालिका में दिए और एक जगह और भेजे थे वो कहीं से पता ही नहीं लगाया आने को अभी तक नहीं आया 2 साल हो गए आपने पार्षद से बात की हाँ पार्षद से बात करी तो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि आ जाएंगे वो आपको पता ही नहीं लगता है तो फिर आप किस तरह से रहती हैं अब जैसे अब वो तो यही समस्या के बाहर से आ रही तो अब परेशानी हो गई अबे तो गर्मी में अपने बाहर सो जाते अब बारह से आएगी तो घर में सोएंगे अब घर में पानी घुस जाएगी तो फिर कहाँ भागे अभी 2 दिन से मौसम बदला था और बारिश हुई थी हल्की हल्की तो उससे आपको क्या लगा था वह बहुत परेशान भाई सीधे भर रह गए घर जैसे अब खबर खबर वाला घर है उसमें तो अब जो बूंद गिरे तो बंद है जब बाहर छोड़िए हाँ पन्नी डली थी वे उड़ गई हवा आई तूफान आया सब उड़ गया परेशानी परेशानी है न बना खा पाए ना कुछ खाना भी नहीं बना के खा पाए कितने दिन से परेशानी है आप लगभग परेशानी तो कुछ नहीं तो 15-16 साल है तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पे लोग स्थिति में रह रहे हैं आपने सुना है लोगों का बरसात के दिनों में ज़्यादातर परेशान होते हैं तो हम आपको और दिखाते हैं यहाँ के लोगों की स्थिति ये किस तरह की स्थिति है देख सकते हैं कि आप देखिए कि आप किस तरह की स्थिति है ना यहाँ का कोई पार्षद सुनवाई करते हैं ना यहाँ के कोई उन लोगों की कोई सुनवाई हो रही है क्या नाम है आपका रामबाती आपका आवास आया है नहीं आया है जी तो किस तरह की स्थिति में रहती हैं फिर आप ये नकन्या डाडा के पेट पालते हैं ये फार्म डाले थे कुटी नहीं आई है खाते है कहीं कुटी और ये 10-20 की हो जाती है नकन्या पार्षद से बात रखी आपने आवास को लेकर के हाँ करी थी तो क्या कहते बीजा के रहते के कर रही जैसे कुटी अबे ना नहीं करी कुटी क्या काम करते हैं आप अब जी नकन्या फाटो हैगी जी 10-20 की नकन्या हो जाती हैं सब आटा पानी ले जाते हैं मोड़ी मोड़ान को खास पानी चलाते हैं
देख सकते हैं आपकी किस तरह की स्थिति में रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? जैसे आपका आवास आया है? इस तरह की स्थिति में झोपड़ी में रहती हैं तो आपको किस तरह की दिक्कतें होती हैं? पूरी भर जाती है। काहे से भर जाती है? पानी से वैसा होती है, पूरी भर जाती है। उसी उली चट्टाठनी से भरते होंगे, सो नहीं पाते हैं, रात के जगते हैं, वैसा होता ही बैठी रहते ला कभी टीका बैठा रहते हो बैठी भी रहते हो आवास अब निकलवाई नहीं है। अरे फार्म डालने आपने सुना है और तो आइए अब देखते हैं कि इन लोगों की किस तरह कब सुनवाई होती है। अब हम अपना लाइव यहीं पर समाप्त करते हैं, जब तक के लिए नमस्कार।